सो so, बेटा आज हमने जो स्टार्ट किया डायनमिक्स स्टार्ट किया था डायनेमिक्स में मैंने आपको बताया मोशन ऑफ बॉडी को स्टडी करते हैं विद इट्स कॉज ओके कानमेटिक्स में हमें कॉज का कोई लेना देना नहीं होता है जैसे कानमेटिक्स में हमने देखा पेपर और मेटल बॉल ये दोनों एक ही समय पे नीचे आ जाएंगी बेटा लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है दोनों चीज़ें अलग अलग टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचती हैं उसका कारण क्या है या कि हम लोग कानमेटिक्स में एयर फ्रिक्शन बाइंड फोर्स ग्रेविटी फोर्स इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं बेटा ओके नेक्स्ट हम लोग डायनेमिक्स स्टार्ट किया तो डायनेमिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया है बेटा ये नाइन्थ क्लास का ही टॉपिक है इसमें उसने इनर्शिया को डिफाइन किया था जो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट रिटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ डायरेक्शन ये तीन स्टेट्स होती हैं बेटा बॉडी रेस्ट में हो सकती है बॉडी मोशन में हो सकती है बॉडी सीधा चल सकती है कर्व ट्रैक पे चल सकती है ओके okay? So, inertia की वजह से वो 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 तीनों रिटेन रखता है है उसी में में रहना चाहता तो so, ने यही बताया कि जो आपकी हैं रहती है due to inertia, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा दोगे तो वो बॉडी की स्टेट चेंज कर देती है बेटा फोर्स पुश और पुल होता है जैसे इसकी एप्लीकेशन में क्या था जैसे पैसेंजर पीछे गिर जाते हैं जब बस चलती है पैसेंजर आगे को गिर जाते हैं जब बस एकदम से रुकती है जब जर्स एक तरफ गिर जाते हैं जब जा बस टर्न लेती है फिर आया न्यूटन बेटा तो ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा आपका क्यों ज्यादा एफर्ट लगेगा क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा आता है तो मास की वजह से क्या हुआ दोनों वेलॉसिटी ज्यादा थी तो मास मोमेंटम से आता है बेटा तो इसीलिए मोमेंटम को जब डिफाइन किया गया दैट इज इक्वल्स टू

ये फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है बेटा न्यूटन लॉ से अब बहुत बच्चे फोर्स को मास इंटू एक्सलेशन सीधा लिख लेते हैं सही है मैक्सिमम केसेस में फोर्स को मास इंटू एक्सलेशन भी लिखा जा सकता है लेकिन कब लिखा जा सकता है जब आपका मास कॉन्सटेंट हो अगर मास वेरिएबल है देन फोर्स इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी प्लस डी एम डी टी इंटू वी ये कैसे आया बेटा देखो अगर एम कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन से बाहर चला गया सिर्फ डी वी बाई डी टी जिसको ए लिख सकती हो बट अगर एम भी वेरी कर रहा है तो ये दोनों वेरिएबल है तो यू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा एम को कॉन्स्टेंट रख के डी वी वाई डी टी कर दिया फिर वी को कॉन्सटेंट रख के डी एम वाई डी टी मास की डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसकी एग्जाम्पल जैसे रॉकेट में क्या होता है बेटा जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है आपका मास रॉकेट के साथ वेरी करता है बेटा रॉकेट के चलने से क्यू वेरी करता है बेटा क्योंकि इसके अंदर से गैसेस बाहर को निकल रही है और वो गैसेस की आ, फॉर्म में मास एक तरह से बाहर आ रहा है रॉकेट के अंदर क्या होता है गैसेस ही होती है फ्यूल ही होता है एक तरह से और प्लस एक जो चीज कैरी करके चल रहा है वो कोई भी सैटेलाइट कैरी करके चल रहा है वो होता है साथ में ओके तो गैसेस जो बर्न आउट होकर पीछे को निकल रही है बेटा उसके वजह से रॉकेट का मास टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है जिस वजह से यहाँ पे सीधा ऐसे नहीं सोच सकते मास इंट एक्सलेशन यहाँ पे क्या होगा इस तरह से सोचना पड़ेगा हमें बेटा ओके तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है न्यूटन के लॉ की एप्लीकेशन की बात करें ये बेटा सब पार्ट नाइन्थ में किया हुआ है आपने एप्लीकेशन ऑफ लॉ इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है बेटा आपको वो बताया जाता है क्रिक्टर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग यस सर तो जब बॉल को कैच कर रहे होते हैं बेटा तो वो लोअर कर लेते हैं जिस वजह से जब बेटा ज्यादा टाइम लगेगा टाइम बढ़ जाएगा ठीक है एफ क्या है बाई है देखो बेटा बॉल को कैच करोगे जब आप तो एक तरह से उसको रेस्ट पे लेके आ रहे हो उसका मोमेंटम जो था उसके मोमेंटम को चेंज करके जीरो कर रहे हो तो अब आप जितने ज्यादा समय में करोगे टाइम जितना ज्यादा होगा इंपैक्ट ऑफ फोर्स उतना क्या होगा बेटा कम होगा तो जिस वजह से के हाथ उतना हर्ट नहीं होते तो जिस वजह से वो बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ को बॉल के साथ साथ लोअर कर लेता है बेटा फिर एक कराटे प्लेयर वाली एग्जाम्पल होती है कि कराटे प्लेयर एक ही हाथ से कैसे आइस की स्लैब को ब्रेक कर देता है बेटा

फिर शॉकर्स का काम जो बाइक्स के अंदर शॉकर्स होते हैं कि नहीं होते बेटा yes, तो ये भी यही काम करते हैं बेटा शॉकर्स भी क्या करते हैं बेटा जब भी आपका बाइक जो होता है बेटा जैसे ये जो आपका बाइक है बाइक्स के अंदर जो ये शॉकर्स होते हैं बेटा यहाँ पे ओके शॉकर्स के अंदर स्प्रिंग होते हैं तो जब आपका बाइक किसी खड्डे में जाता है जैसे बेटा तो यहां से खड्डे से एक इम्पैक्ट मिलता है ठीक है कोई भी पिट है जिसपे आपका बाइक का टायर गया है तो उससे एक इम्पैक्ट फोर्स मिलती है अब ये इम्पैक्ट फोर्स आपकी बॉडी तक पहुँचते हुए ड्राइवर की बॉडी तक पहुँचते हुए क्या होता है बेटा टाइम जो होता है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है शॉकर्स धीरे कर देते हैं ठीक है टाइम क्या हो जाता है बेटा इंक्रीज़ हो जाता है जिस वजह से इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा तो इसको फोर्स क्या लगेगा बेटा कम लगेगा ओके okay? तो शॉकर्स का काम ये होता है आपके बाइक्स के अंदर ऐसी ही बेटा और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है तो आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करो बेटा और अगर कोई समझ ना आए तो पूछ लो मेरे से ओके okay? फिर बेटा लास्ट में आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन देअर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ठीक है तो कहीं पे भी कोई एक्शन होगा उसका रिएक्शन जरूर होगा जैसे इसके एग्जाम्पल में बेटा देखो आप एक वॉल को पुश कर रहे हो वॉल को धक्का दे रहे हो इन रिटर्न क्या होगा बेटा वॉल से भी एक रिएक्शन फोर्स होगा जो कि आपको धक्का लगा रहा होगा जिस वजह से ना तो वॉल हिल रही है ना आप हिल रहे हो यहाँ पे ओके सो okay, so बेटा इसकी अभी एप्लीकेशंस क्या है न्यूटन थॉर्ड लॉ की एप्लीकेशंस क्या है इसकी एप्लीकेशंस क्या है बेटा सबसे पहले रिक्वायल ऑफ गन परपल्शन ऑफ रॉकेट जैसे देखो बेटा गन क्या होता है जब गन से आप बुलेट फायर करते हो गन से बुलेट फायर करते हो तो गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगा के एक, एक, एक एक्शन किया इन रिटर्न वो बुलेट जो है गन के ऊपर फोर्स लगा के रिएक्शन क्रिएट कर रहा है जिस वजह से आपकी गन पीछे को रिकॉइल करती है सेम रॉकेट के साथ क्या होता है बेटा रॉकेट के साथ क्या होता है रॉकेट में जो गैसेस है बेटा तो गैसेस के ऊपर रॉकेट पीछे को फोर्स लगा रहा है इन गैसेस के ऊपर एक्शन होता है पीछे को इन रिटर्न ये गैसेस जो है रॉकेट को प्रोपेल करती है ऊपर को बेटा ओके तो ये इसकी एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ की इसमें और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो आप लोग जैसे बेटा आप लोग क्या करते हो जैसे आप पानी के अंदर हो ये आपका लैंड है सी सोर आ गया है ओके इधर वाटर है तो आप जैसे ये बोट है बेटा बोट से बाहर आना चाहते हो आप तो आप क्या करते हो जब आप बोट से बाहर आना चाहते हो आप बोट को पीछे को धक्का दे देते हो इन रिटर्न बोट आपको बाहर को धक्का दे देती है ओके okay? ऐसी ही एग्जाम्पल है वॉकिंग वाली वॉकिंग में क्या हो रहा है जब आप चल रहे हो बेटा आप अपने फीट से क्या कर रहे हो जब आप चल रहे हो आप अपने फीट से क्या कर रहे हो आप ग्राउंड को पीछे को पुश कर रहे हो इन रिटर्न ग्राउंड आपको आगे को रिएक्शन दे रहा है बेटा ओके तो इस तरह से आपकी वॉकिंग पॉसिबल है तो ये सारी न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल है बेटा इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हुई कोई भी प्रॉब्लम हुई वी कैन डिस्कस दैट बिफोर द नेक्स्ट क्लास और ये तीनों लॉज आपने बहुत अच्छे से नाइन्थ क्लास में कर रखे हैं बेटा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर नहीं समझ आ रहा है क्योंकि ये तो बहुत ईजी पार्ट है बेटा थर्ड नाइन्थ क्लास का टॉपिक है सारा अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि जो आपने नाइन्थ में ना किया हो बेटा ओके यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लॉ निकल के आता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ मोमेंटम ये लॉ क्या स्टेट करता है बेटा कोशिश करो बेटा आज ही इस टॉपिक की ये सारी थ्योरी कवर करने की जितना हमने पढ़ लिया एक एक लाइन बुक से पढ़ डालो बेटा ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या कहता है अब देखो बेटा एफिकल्स क्या होता है डीपी बाई डी टी होता है और अगर इफ एफ एफिकल्स टू जीरो हो गया, फोर्स जीरो है तो डीपी भी जीरो हो गया डीपी का मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो है मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा ये क्या स्टेट करता है इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो एंड कौन सी फोर्स बेटा एक्सटर्नल फोर्स ध्यान रखना है बेटा एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है हमेशा नेट फोर्स ऑन सिस्टम और एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स मोमेंटम यानी के सिस्टम का मोमेंटम जो है बेटा रिमेन कंजर्व्ड और कॉन्स्टेंट सेम रहता है बेटा चेंज नहीं होता है ओके okay? और इस न्यूटन थर्ड लॉ से जो आपने रिक्वायलिंग ऑफ गन एक्सप्लेन किया था ना बेटा वो इसके बेस्ड पे आप निकाल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम के बेस्ड पे भी निकाल सकते हो कि गन कैसे रिक्वायल करती है बेटा और कितनी वेलोसिटी से रिक्वायल करेगी देखो बेटा यहाँ पे अनिशली क्या होगा अनिशली बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट दोनों क्या है बेटा रेस्ट पे है अगर ये दोनों रेस्ट पे है तो अनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो गया That is equal to क्या जीरो हो जाएगा, जाएगा बेटा। मोमेंटम so, क्या हो गया, गया बेटा जीरो हो गया है ओके okay. फाइनली क्या होगा बेटा जो आपका बुलेट है जिसका मास स्मॉल वी है वो स्मॉल वी से चलने लगेगा आगे को और गन का मास कैपिटल वी है लेट्स से गन की रिक्वायरिंग वेलोसिटी वी है ओके सो आफ्टर फायरिंग बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम इज फायर्ड विद वेलॉसिटी स्मॉल वी ओकेटा सो क्या होगा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल्स टू बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम और बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा बेटा एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा तो इसका मतलब क्या है मोमेंटम रिमेन कंजर्व मोमेंटम आपका क्या रहेगा बेटा कंजर्व रहेगा अगर मोमेंटम कंज़र्व्ड है तो अनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स क्या आएगा फाइनल मोमेंटम अनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएंगे बेटा सेम हो जाएंगे अनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम सेम है तो जीरो एम वी प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी यहाँ से कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी माइनस एम के इक्वल आ गया है बेटा और यहां से कैपिटल वी क्या आ गया बेटा माइनस एम वी कैपिटल एम तो ये क्या है बेटा रिकॉयलिंग से आपका बुलेट गन से रिकॉ बुलेट निकले स्मॉल स्मॉलिटी से बुलेट जो है वो गन से निकलेगा तो गन कितनी वेलॉसिटी से रिकॉयल करेगा कैपिटल वी से ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि गन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा बेटा ओके तो तभी रिकॉयल मतलब पीछे को जाएगा ओके ऑपोजिट टू बुलेट वो बेटा यहां से एक चीज पता चल रही है गन रिक्वायल करती है पीछे को चलती है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी गन ओके okay? और यहां से एक कंक्लूजन निकल रही है बेटा अगर एम कैपिटल एम इंक्रीज कर दोगे तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप अपने शोल्डर के साथ देखो बेटा जब भी आपको गन प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको दो चीज़ एक चीज़ बताई जाती है सबसे पहले कि गन को शोल्डर के साथ टच में रखो क्योंकि जब शोल्डर के साथ टच में रखोगे एक तो आपका मास गन के साथ अटैच हो गया है तो जो रिक्वाइलिंग मास हो जाएगा वो बढ़ जाएगा रिक्वायलिंग मास बढ़ने से रिकॉयलिंग वेलोसिटी कम हो जाएगी बेटा ओके दूसरी चीज़ है अगर आप थोड़ा सा गैप छोड़ के फायर करोगे तो गन ने रिकॉयल करना ही है और उस छोटे से गैप की वजह से गन आके हिट करेगी आपके शोल्डर को जिस वजह से आप हर्ट भी हो जाओगे तो गन को शोल्डर से टच करवा के फायर करने के दो बेनिफिट्स हैं एक तो रिक्वायरिंग वेलोसिटी कम हो जाती है दूसरा आपका शोल्डर हर्ट नहीं होता है बेटा ओके सो ये कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैंने आपको एक, एक एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन रिक्वायरिंग ऑफ गन से आपको रिक्वायरिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करके दिखाई है बेटा ओके सो आज के लिए इतना ही है बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आप इस क्लास के बाद प्लीज सारे लॉज की एप्लीकेशन जितनी फाइंड आउट कर सकते हो जितने अपने आसपास सोच सकते हो सोचने की कोशिश करो ओके okay? कोई कंफ्यूजन है कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा